नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्टॉक मार्केट मूड हिंदी में हरि परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि अब बड़ा स्टॉक ऊपर की ओर, निफ्टी 50 13300 के पार। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये स्टॉक किसी से छुपा नहीं है, सबसे बड़ा मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो आप देख सकते हो आज हम इस स्टॉक का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बाकी आप खुद भी करके देखना कि क्या मैं सही तरीके से मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया, क्या मैं जो डाटा बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है दोस्तों। तो आपको एक बार बता दूं कि मार्केट बुलिश है, जो मर्जी स्टॉक उठा के देख लो, चाहे आप मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या कह लो कि लार्ज कैप हो, तो सब स्टॉक ऊपर की तरफ है भाई, ऊपर की तरफ। किसी में पैसा डालो ऊपर की तरफ, एक दिन वो नीचे आता है, दूसरे दिन ऊपर जाता है, तीसरे दिन नीचे आता है, चौथे दिन ऊपर जाता है, मार्केट की ये गेम चल रही है दोस्तों। तो ज़्यादा बात ना करके चलो चलते हैं हम आज अपने इस स्टॉक के ऊपर, इस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आज है दोस्तों 2 दिसंबर 2020। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये देखिए मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मैंने स्टॉक लगा रखा है, उसमें वन डे की सेटिंग है। तो ये मैंने कुछ ग्रीन कलर की जो लाइनें आप देख रहे हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रखी हैं। ये जो लाइन्स है ये सपोर्ट का काम कर रही है, ये देखिए, और ये ऊपर वाली लाइन जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बीच वाली लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का ही काम कर रही है दोस्तों। अभी जो बीच वाली लाइन है आप देख सकते हो, इसके पास स्टॉक अभी इस सपोर्ट को टच करके, ये लंबी अवधि की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, जैसा कि मैं अपने हर टेक्निकल एनालिसिस में करता हूं। तो आप देख सकते हो कि इस दिन ये स्टॉक ने अपनी लंबी अवधि की सपोर्ट लाइन को टच किया था और ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अभी 4-5-6-7 दिन की ही बात है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, इसके आसपास आ रहा है। देखिए 1 बार 2 3 4 5 बार इसके आसपास आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट है ये 1940-30 के आसपास है, ये स्लाइड है मैंने बना रखी है, थोड़ा सा पता नहीं चलता मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आसपास जब भी आता है ये बहुत ही पावरफुल सपोर्ट है, तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है दोस्तों, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं वो इस स्टॉक को यहाँ से नीचे नहीं लेकर जाना चाहते, आप खुद समझ सकते हो कि ये स्टॉक अब अप ट्रेंड में जा चुका है दोस्तों, शुरू हो चुका है, इसमें अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो आप खुद इसका टेक्निकल एनालिसिस करें। तो मैं आपको यहाँ पे आपको इसकी 1 वीक की चार्ट में भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये देखिए 1 वीक के चार्ट में आप कैंडल देख सकते हो कि यहाँ पे इसने 1840 को टच किया, 1920 को टच किया। तो ये देखिए ये हायर लो बन रहे हैं यहाँ पे, समझ गए दोस्तों। ये एक बना ये 1840 के ऊपर ये वीकली हायर लो बना, ये उसके बाद एक थोड़ा सा नीचे की तरफ आया कैंडल जो मनी वीकली, वो भी हायर लो बना उसमें भी, ये आगे देख सकते हो खुद। तो जब भी ये जो मिडल लाइन है इसके आसपास स्टॉक आता है तो ये ऊपर की तरफ पुश कर देता है, ये स्पोर्ट बहुत ही पावरफुल स्पोर्ट है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि ये एक बुलिश ट्रेंड में, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में, इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आने वाले टाइम में ये देखिए 2060-70 या उससे ऊपर 2100 तक आराम से जा सकता है दोस्तों। तो चलो ये वीकली हो गया, तो चलो चलते हैं हम अपने ईएम में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड की और 200 पीरियड की हम उस पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर की जो लाइन है आप देख सकते हो ईएम में है, वो आप देखिए ये सपोर्ट ले रहा है 1850 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ ले गया है। तो आप देख सकते हो कि ये देखिए ये यहाँ पे जो ये बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हायर, ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे आपको मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये
जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो 21 EMA की जो मूविंग एवरेज है उसके पास अब ये जाने की कोशिश कर रहा है पहले रेजिस्टेंस तक, तो इसके पास जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, पर आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वीकली EMA 21 और 200 पीरियड की यहाँ पे ले रखी है। तो आप देख सकते हो कि वही 200 पीरियड को ईएमए है, वो एक लंबी अवधि की सपोर्ट का काम कर रही है, और यहाँ पे 21 EMA है वो भी यहाँ पे सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का काम करते दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो कि 21 EMA के नीचे वीकली ये नीचे स्टॉक आया है, तो ये अब स्टॉक वापस देखिए कैसे एक बन रही है इसमें चार्ट में, कि कैंडल अब छोटी 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 होती जा रही है। तो एक अच्छा खासा इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऊपर की तरफ वापस जा सकता है। आप बाय करें स्टॉप लॉस के साथ करें दोस्तों। आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने अपने RSI और MACD यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, MACD और RSI। तो आप देख सकते हो जो MACD की लाइन है, RSI अब दे बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर, तो आप देख सकते हो कि RSI ये इसी लेवल के आसपास ये घूम रहा है, 41 के आसपास RSI चल रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी समय से ये स्टॉक इसी लेवल पे चल रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा दे सकते हैं कि इस स्टॉक में एक क्या नाम उसका कितनी बड़ी सपोर्ट यहाँ पे काम कर रही है। क्योंकि जो बड़े दिग्गज हैं जो इस स्टॉक को इसके नीचे लेकर जाना नहीं चाहते, हो सकता है कि स्टॉक नीचे आ जाए 1800, पर ये यहाँ से भी यहाँ एक बहुत पावरफुल सपोर्ट है, और इसके बाद यहाँ तो डबल पावर के साथ यहाँ पे प्लेयर्स खड़े हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पे इस स्टॉक को अब और मूव नीचे नहीं करा सकते, नीचे लेके जाना नहीं चाहते। तो आप ये भी देख सकते हो कि जब भी ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है, आप खुद देखिए कि यहाँ पे ये एक अर्धाकार गोला सा राउंड बनाता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे बनाता है, हर बार जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो ये ऐसे बनाता है, उसके बाद ये काफी देर तक, ये देख सकते हो आप काफी देर तक ये कंसोलिडेट होता रहता है, मतलब एक ही रेंज पे चलता रहता है, साइड पे चलता रहता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक अब आने वाले टाइम में क्या कर सकता है, या तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। जो डाटा बता रहा है उसके हिसाब से ये स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा। हमारा RSI भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। और नीचे MACD लाइन, RSI हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, MACD लाइन हमारा लैगिंग इंडिकेटर, तो आप देख सकते हो कि MACD लाइन भी जो है वो अपने ब्लू कलर की जो फास्ट लाइन है वो रेड कलर की लाइन से ऊपर की तरफ है, तो ये हल्की हल्की ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वन डे का चार्ट लिया है, और मैंने यहाँ पे मनी फ्लो के साथ इसका एनालिसिस किया है, डाइवर्सन बना के देखा है। तो आप खुद चेक करें, देखिए कि यहाँ से मैंने लगा रखा है मनी फ्लो का जो डाइवर्सन बनाया है, ये देखिए मनी फ्लो का डाइवर्सन कितना बढ़िया डाइवर्सन बन रहा है। तो मनी जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ है दोस्तों, और जो स्टॉक चल रहा है वो नीचे की तरफ चल रहा है। तो आप इसके क्या अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद गैस करें कि है ना ये एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, सही कह रहा हूँ ना दोस्तों। तो आप खुद एनालिसिस करें, ऐसे डाइवर्जन मत, आप खुद एनालिसिस करें जो मैं इस वीडियो में बताता हूँ, आप खुद चेक करें अपने हिसाब से करें। तो आप खुद अपना एनालिसिस करके आप अच्छे खासे स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो अभी ये इंडिकेटर बता रहा है कि ये एक बुलिश ट्रेंड में दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, पर एक रूल होता है कि हमने कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो ये moneycontrol.com की साइट के ऊपर हम आ रखे हैं, मार्केट कैप देखिए 12 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है दोस्तों, खुद चेक करें यार। सबसे बढ़िया बड़ी कंपनी इंडिया की जो ये रिलायंस है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, पी देखिए 44 के आसपास चल रही है, इंडस्ट्री पी के ऊपर है,
ये डिवर्सिफाई उसमें आता है स्टॉक सेक्टर में। तो बुक वैल्यू देखिए, ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर, वाह भाई वाह क्या बढ़िया है। डिविडेंड देखिए, आप पीसी डिलीवरेबल क्वांटिटी, आज की डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए 33% है। तो फेस वैल्यू डिविडेंड या प्राइस बुक वैल्यू, तो आप खुद चेक करें, खुद चेक करें, आप खुद एनालिसिस करें अलग अलग इंडिकेटर लगा के, तो आपको सारा डाटा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे मैं कुछ इनकी शेयर होल्डिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। मनी कंट्रोल के ऊपर है हम, मनी कंट्रोल डॉट कॉम के ऊपर है। तो प्रमोट का शेयर आप देख सकते हैं, पिछले 4 क्वार्टर में एफआईआई की टोटल, डीआईए की प्लेज इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है डीआईए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देख सकते हो आप, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड का आप एंट्री देख सकते हो, अदर डीआई देख सकते हो, अदर्स। तो टोटल 100% आपके सामने ये शेयर होल्डिंग का सारा पैटर्न है मैं जो लेकर आया हूँ, तो आप खुद चेक करें वहाँ पे जाके। तो नेक्स्ट जो है वो मार्केट मोजो का मैं एनालिसिस लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ शेयर्स में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं जो इसका एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी हैज लो डेट रेशियो, देख सकते हो हेल्थी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। द कंपनी हैज डिक्लेयर नेगेटिव रिजल्ट लास्ट 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। तो आप खुद चेक करें, स्टॉक इज टेक्निकल इन मिडली बुल्स रेंज। क्यों मिडली बुल्स रेंज है? क्योंकि टेक्निकल ये बुलिश रेंज में आ चुका है। द टेक्निकल ट्रेंड हैज डेट राइज फ्रॉम बुलिश ऑन 9 अक्टूबर एंड हैज जनरेटेड 12-12% रिटर्न सिंस देन। तो ये ट्रेंड हैज बुलिश, 9 अक्टूबर से ये इसने -12% के उस रिटर्न दी है। मल्टीपल फैक्टर ऑफ स्टॉक आर ए बुलिश लाइक एमएसीडी, बोलिंजर बैंड एंड केएसटी। तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ इंडिकेटर में बहुत से इंडिकेटर हैं, आप मैं सारा बताने लग गया तो बहुत चीज़ें बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आपको मैं थोड़ा सा मेरी 20-25 मिनट की वीडियो से ऊपर मैं बना नहीं सकता, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे। विद आरओसी 7.6, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन 1.9, एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एज ए प्रीमियम कंपेयर्ड विद द एवरेज हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। तो आप खुद चेक करें दोस्तों इस स्टॉक के बारे में, कितना बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया क्या ये सुपर पावर स्टॉक है। तो इसका मैंने एनालिसिस किया है, तो आप खुद चेक करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर ये स्टॉक चलने लग गया, तो मार्केट 300 350 के आस 13 300 13 350 के आसपास जरूर पहुंचेगी दोस्तों। और हमारा जो डाटा कह रहा है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं खुद का टेक्निकल एनालिसिस करके दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है, हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। धन्यवाद। जय हिंद।